अंतर से योग में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ग्लोइंग स्किन के लिए या कहिए चेहरे पर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए कुछ विशेष योगासन बताएंगे। फर्स्ट आसन है सुप्त पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को चेस्ट पर दबाते हुए सांस को बाहर निकालते हुए नॉस्ट्रल को दोनों घुटनों के बीच में रखने का प्रयास कीजिए। क्षमतानुसार होल्ड। न रुक पाने की स्थिति में धीरे से श्वास को भरते आइए वापस। ग्लोइंग स्किन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण आसन मरकट आसन। गहरा सांस, सांस को बाहर निकालते हुए घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एक साइड में डाउन कर दीजिए, गर्दन दूसरी तरफ। कम से कम एक तरफ से 15 से 20 सेकंड होल्ड करते हुए। आपने प्राय देखा होगा कुछ महिलाओं की त्वचा में समय से पूर्व ही झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनका रहन सहन का तरीका, अस्वस्थ आदतें और खाने पीने की गलत हैबिट्स के कारण, या कहिए ज़्यादा तनाव इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। कील मुहासे या झाइयाँ प्रत्येक उम्र की लेडीज के लिए एक सामान्य सी समस्या है, और कभी कभी तो ये हार्मोन्स के असंतुलन के कारण भी हो जाती है। लेकिन इसमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ ये अपने आप ठीक हो सकते हैं अगर इन एक्सरसाइज का रेगुलर अभ्यास किया जाए। इन सभी एक्सरसाइज से आपका पाचन स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स असंतुलित डाइजेशन के कारण भी कील मुहासे स्किन पर प्रॉब्लम्स आती है। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सुप्त पवन मुक्तासन एंड मरकटासन। इन सभी आसनों के अभ्यास से चेहरे और सिर के भाग में रक्त का संचार बढ़ता है। ये आपको प्राकृतिक रूप से सुंदर त्वचा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आसन मरकट आसन की ही वेरिएशन, दोनों पैरों में एक फिट का गैप रखते हुए एक पैर के घुटने को दूसरे पैर के पंजे से स्पर्श करते हुए दोनों तरफ से 10-10 बार इसका अभ्यास। पीठ और कंधे की टाइटनिंग को कम करता है, साथ ही साथ आपको विश्राम देकर आपकी मनोदशा को अच्छा करता है और आपकी स्किन को चिकना और लचीला बनाता है। इन आसनों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे आपकी सांस की गहराई बढ़ती है, जिससे आपके हार्मोन्स का असंतुलन ठीक होता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है, त्वचा अधिक लचीली और दृढ़ हो जाती है। नेक्स्ट पोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट, लेग रोटेशन। दोनों पैरों को गोल गोल घुमाते हुए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चेहरे और सिर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए परिणाम स्वरूप आपकी स्किन में निखार आता है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट आसन स्किन डिजीज के लिए पश्चिमोत्तान आसन। श्वास को बाहर निकालते हुए माथे को घुटने से छूने का प्रयास करें। इस आसन के परिणाम स्वरूप आपकी पाचन अंगों की कार्य क्षमता में सुधार आती है और डाइजेशन के इम्प्रूव होते ही आपको स्किन प्रॉब्लम से अवकाश मिलता है। 8 से 10 बार इसका अभ्यास। इसके साथ ही साथ मेनोपॉज में यह आसन बहुत हेल्प करता है, साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी, कंधों और हैमस्ट्रिंग्स में खिंचाव लाता है। पूरी बॉडी की फिटनेस के लिए, माइंड को शांत करने के लिए, तनाव और हल्के डिप्रेशन से राहत दिलाता है। लास्ट अभ्यास अर्धहलासन की प्रैक्टिस से पहले एक एक पैर को ऊपर नीचे चलकर लेग्स को फ्लेक्सिबल कर लीजिए, फिर दोनों पैरों को एक साथ 8 से 10 बार ऊपर नीचे। वैसे आजकल के समय में प्रदूषण, तनाव, अनियमित जीवन शैली व दिन रात की भागदौड़ भरी जिंदगी से लोग समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे हैं और कम उम्र में ही चेहरे पर झुर्रियां, कील मुहासे, फुंसियां, काले धब्बे लगातार परेशानी का सबब बन रहे हैं। ऐसे में इन योगासनों का नियमित अभ्यास करके आप प्राकृतिक सुंदरता, चमकती त्वचा और
फिजिकल अट्रैक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अंतस योग। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अंतस योग। ये सभी योगासन जो गर्मियों में देंगे आपको ग्लोइंग स्किन।